हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ फॉर बी सेकेंड सेमेस्टर विच आर हैविंग द सब्जेक्ट पीपीएस। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसमें सबसे पहले पार्ट पढ़ा था हमने कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। दिस विल बी कैटेगराइज इनटू सिक्स पार्ट्स। वो छह पार्ट पे डिवाइड होता है, छह सेक्शन पे। फिर हमने उसके बारे में बात किया था कि आपके में हेडर फाइल कौन सा होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट उस टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर अल्फाबेट्स, व्हाट आर इंटीजर पार्ट्स। तो हमने उसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है 125, प्रोग्रामिंग इज ईजी, वॉट एवर आई हैव रिटन इन एज अ कॉन्स्टेंट, वो आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो आपका कॉन्स्टेंट क्या है, कितने तरीके से क्लासिफाइड है, चलो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट। ओके, इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होता है कि दे आर द न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट। मतलब कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता और एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं होता। जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट। देखो, डेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट जिसमें जीरो से लेके आपकी नाइन तक की वैल्यू रहेगी। ऑक्टल डिजिट्स, हमने इसके पहले जब फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, इन सब बाइनरी नंबर, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। अगर ऑक्टल डिजिट की बात करूँ तो सिर्फ वो जीरो से सेवन के बीच में काम करता है, तो ये आपका जीरो से सेवन। देन हमारे पास था हेक्साडेसिमल डिजिट, उसमें आपका काम करता है जीरो से सिक्सटीन। तो हम जीरो से नाइन तक का तो वैल्यू एज इट इज रखते हैं, फिर टेन से आपकी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ। तो इन सब के एग्जाम्पल्स ये हैं। जैसे अगर डेसिमल डिजिट, इट मे बी इन माइनस और प्लस, बट इट शुड बी नॉट बी अ फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल पार्ट, है ना। जो भी आपके डिजिट है वो एक्सपोनेंशियल पार्ट कंटेन करके नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्या है, आर द न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट दैट कैन आइदर हैव ए फ्रैक्शनल फॉर्म, आइदर वो फ्रैक्शनल फॉर्म भी कंटेन कर से रख सकता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे ये हो गया माइनस 2.0 या 0.0024। अगर मैं इसकी बात करूँ, ई माइनस वाई मतलब 10 to the power एक्सपोनेंशियल, है ना, 10 to the power -5, तो ये वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने दो कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। तीसरा कांस्टेंट आपका है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कुछ नहीं है, इट इज रिटन इन सिंगल कोटेशन। कोई भी सिंगल कोटेशन में हम डेटा लिखेंगे उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे विद इन दिस सिंगल कोटेशन मैंने लिखा ए एल एम एक्सेट्रा। ओके, देन एस्केप सिक्वेंसेज। एस्केप सिक्वेंसेज क्या होता है, कुछ चीज़ें हम टाइप नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ों को हम टाइप नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या करते हैं, टैब यूज करते हैं, कोई स्पेशल कीज यूज करते हैं जिससे हम अपना डेटा आगे बढ़ा सके। जैसे समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज, मतलब इट्स नेसेसरी टू यूज अ न्यू लाइन, तो हम टैब या क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क एक्सेट्रा, विच आइदर कैन नॉट बी टाइप्ड और स्पेशल मीनिंग इन सी, इज कॉल्ड एस्केप सिक्वेंस। जैसे स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश एस्केप, स्लैश बी बैक स्पेस, स्लैश एफ फॉर्म फिट, स्लैश आर रिटर्न। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एस्केप सिक्वेंसेज है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका फिफ्थ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, दैट विल बी क्लोज विद इन डबल इनवर्टेड कॉमर्स। जैसे ये है आपका डबल इनवर्टेड गुड, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। अगर ये दो कोट मार्क्स के बीच में कुछ नहीं लिखा है तो वो नल कॉन्स्टेंट है, नल स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अगर उसके बीच में ऐसा वाइट स्पेस है तो वाइट स्पेस का गैप है। अगर ऐसा कुछ स्लैश एन के साथ लिखा है तो जो भी है वो प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे। देन हमारे पास है एनुमरेशन कॉन्स्टेंट। ये एनुमरेशन टाइप्स के लिए होता है। जैसे हम डिफाइन किए एनम कलर, तो कलर आपका वेरिएबल नाम हो गया, ये एनुमरेशन कॉन्स्टेंट है जिसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।